बचपन में जब हम 2 साल के थे, पापा को भी नहीं देख पाए थे, बहुत ज्यादा गरीबी वाला हाल था मेरे पास। पर हार मत मानिए, गरीबी जन्म लेना बुरी बात नहीं है। तब लगा कि जॉब लेना आसान है, पर ये नहीं सफल हो पाता ना। जॉब हो गया, आ जाइए। हाँ चलिए बाबू, ऑनलाइन वाले लोग देखिए, मिठाई उठाई आ गया। अरे खुश रहिए, बढ़िया बाबू, मेहनत करके ऐसे आगे बढ़िए। आप लोग भी दरोगा बन के आइए, ठीक है। आई वर्दी सब में, सब लोग बाबू देखिए, पुलिस बाबू बैठ जाओ, आप लोग अब पहनिए बाबू आपको। आप लोग भी बाबू जल्दी जल्दी मेहनत कीजिए, और आप भी यहाँ पर आइए, मिठाई लाइए आप लोग भी, और जल्दी जल्दी सेवा कीजिए समाज का। पुलिस के पास क्या होता है ना कि जनता का सीधा संपर्क होता है, समझ में आ गई ना क्या? बाकी लोग बैठ जाओ बाबू, आप लोग लाइव वाले लोग, आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए। आप लोग लीजिए बाबू इनसे आप, हाँ हाँ मिठाई खिला देते हैं पहले, ये आप ना पहले पहले बता दीजिए, फिर मिठाई खिलाइए। हाँ अच्छा रुक जाओ, खिला देते हैं। आप किस बैच में थे, आप बताइए अपना अनुभव लड़कों को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए मेरा घर दरभंगा जिला है सर, हम 213 बैच में फाइनल सेलेक्टेड है सार्जेंट में। और देखिए मेरे साथ बहुत बुरा स्थिति था कि बचपन में जब हम 2 साल के थे, पापा को भी नहीं देख पाए थे, बहुत ज़्यादा गरीबी वाला हाल था मेरे पास। इतना भी पैसा नहीं था कि पढ़ पाते हम अच्छा से। तब पता चला सर के बारे में, पढ़ाते हैं सर, तो किसी तरह मम्मी से 200, 400, 500 लेके आए यहाँ। फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो फिर हम यहाँ से चले गए, फिर ऑनलाइन सर का क्लास आया तो फिर वहाँ से क्लास लिए। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति रहता है, मगर हार मत मानिए, लाइफ में कभी हार मत मानिए। सर है हमेशा गरीब के साथ देते, हमको बहुत अच्छा लगता है सर से। आप लोग को भी साथ देना आप गरीब का। जी सर जरूर जरूर। मेन है कि देखिए पढ़ते थे तो हम भूल जाते थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था सर का, याद ही नहीं होता जो रियलिटी है। लुसेंट पढ़ने जाइएगा, जो कुछ नया लड़का है उसको पढ़ने के लिए दे दीजिएगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद वो भूल जाएगा। मगर सर के पास जो वही चीज़ पढ़े तो इतना कॉन्फिडेंस आया, तब लगा कि जॉब लेना आसान है। 2446 बैच में हम 2446 बैच में मेरिट में छट गए थे हम, तो फिर मतलब लगा कि छोड़ देते पढ़ाए। फिर सर का जो वीडियो देखते थे मोटिवेशन वाला कि गरीबी है, गरीबी मतलब जिंदा रहना बुरी बात नहीं है, मतलब गरीबी जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीबी मर जाना बुरी बात है, सर का हमेशा हमेशा रहता था। और इससे बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि सर के साथ आज है। आप लोग भी मेहनत करके आइए और मिठाई लेके आइए, और सर को जो अपना कैप है वो सर को पहनाइए। और आशीर्वाद आपको, और आगे बढ़ते रहिए सर। हाँ सर, बीपीएससी के लिए भी आगे ट्राई करना है सर। ट्राई नहीं, निकाल के लाना है, ट्राई करके आप है साथ तो सर सब कुछ संभव है सर। लेके आना, पढ़ाने का जो तरीका है ना आपका सर, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए, हम लोग तो खाते रहते सर, आप खाइए ना। पहले हम आपको खिलाते बाबू, पहले हमको तो पढ़ाना है तो हम पूरा तो नहीं खा पाएंगे, आप पूरा खाइए। पूरा 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 खाइए। चलिए बाबू आप लोग भी मेहनत कीजिए और इनके जैसे आप बनिए। देखिए 2 साल की उम्र में पिताजी का साथ छूट जाना बहुत संघर्ष होता है। और एक फिल्म है ना जिसमें कहते हैं सब दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। आज
वो माँ भी देखती होंगी तो कितना खुश होती होंगी। यहाँ पे बहुत संघर्ष करना होता है एक माँ को। अच्छा फिर कभी माता जी को लाइएगा, तबियत कर माता जी को भी आज कितना खुशी होता होगा यहाँ पे। और आप ना आप लोग को आप लोग की कामयाबी देख के ना माता जी का 10 बीमारी तो ऐसे भाग जाता है यहाँ। पिताजी भी देखते होंगे, उनकी भी आत्मा तो बड़ा खुश होती होगी। हर माँ बाप क्या चाहता है, बुढ़ापा में 3 टाइम की जगह वो 2 टाइम खाने पे आ जाते हैं। माता पिता के लिए कुछ मत करिए, मन उनके लिए आप नौकरी लेके दिखा दीजिए, उनसे बड़ा खुशी आएगा। ठीक है, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है इनका। हाँ हाँ मधेपुरा में खुश। अरे खुश रही बाबू, एकदम खुश रही। चलिए चले। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। ये आपके लिए आपका पूरा ये डायरी वगैरह, क्योंकि आप ही लोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है, और हमेशा अगर कभी किसी गरीब के साथ अगर अन्याय हो तो हमेशा खड़े रहना है, ठीक है, ईमानदारी के साथ। ठीक है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर आइए आप एकदम IPS बनके, ठीक है, खुश रहिए। आप लोग भी बन के आइए बाबू जल्दी जल्दी। पता है बहुत सारे लोग जो हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब किसी के माँ बाप का साथ छूट जाता है ना तो समाज में लोग मजाक उड़ाने के लिए बड़े रहते हैं। ये लड़का अगर सफल नहीं होता ना तो इसकी माँ के लिए कितना मुसीबत हो जाता है। 1-2 साल का लड़के के अगर पिता नहीं हो जाते, 2 साल का बच्चा का उम्र ही कितना होता है, मतलब एक तरह से कहीं उसको यादों नहीं होगा कि पिताजी कैसे हैं। कहते 2 साल का लड़का है, कितना संघर्ष किया होगा यहाँ। और अगर ये नहीं सफल हो पाता ना, समाज इसको ताना मारने लगता। इसलिए माँ बाप के लिए पढ़िए, माँ बाप और आपके ऊपर कोई समाज ताने ना मार सके इसको भी ध्यान से रखिएगा, वरना खाली हाथ से लौटेंगे बहुत दिक्कत होगा आप लोग यहाँ। और बहाने बनाना कम कीजिए, आप लोग उस खुशनसीब में जिसके माँ बाप भी हैं और यहाँ तक पढ़ने के लिए भेजें। कितना संघर्ष करना होगा इस लड़के को आप सोच सकते हैं। बहुत असल में बीच में ना लॉकडाउन एक बार लग गया था, एक बार क्लास लगा था 21 में, क्लास खुला था ना, तो बीच में कोरोना आ गया था, बहुत सारे लड़के घर चले गए थे 6-5 महीने के लिए। 2021 की बात बता रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगा था डेल्टा वेरियंट में। तो उस समय जितने लड़के थे वो लोग अब ऑनलाइन पढ़े थे। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी सीरियस पढ़ाई कीजिए और यहाँ जरूर आइए। यहाँ पर सलेक्शन तो इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पर, लेकिन सीरियस पढ़िए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन अगर ज़्यादा होता है ना संस्था से, किसी भी संस्था से, तो समझिएगा ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग को सीरियस, क्योंकि अभी लड़कों में देखते हैं ना डर नहीं है, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है यहाँ पर। और वो लड़के जो लोग कहते हैं ना हमको याद नहीं होता, देखो सबकी समस्या है, जो आता है सबको यही लगता है क्या है, याद नहीं होता।